और जोरदार तालियों के साथ ये उत्साह चरम पर होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे और प्रदेश के मुखिया इस वक्त बैठे हैं। जो लोग यहां पर तालियों में कंजूसी कर रहे हैं वो जोरदार तालियों के साथ, करतल धनियों के साथ इस प्रांगण को गुंजायमान करें, क्योंकि प्रदेश के विकास की बातें यहां पर होने वाली हैं। हमारे आपके सबके विकास की बातें होने वाली हैं। सर, चूंकि हेमंत सोरेन जी यहां पर हैं और खास मौका है, तो पहले झारखंड की थोड़ी चर्चा कर लें कि काफी संघर्ष के बाद झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन जिस उद्देश्य से निर्माण हुआ उसको लेकर संघर्ष लगातार जारी है। 2019 में जब हेमंत सोरेन आए तो लोगों को बहुत उम्मीद जगी। तकरीबन 2 महीने तक लोगों की कतार इनके घर के सामने था। जाहिर है कि लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना का काल स्टार्ट हुआ और उसमें पूरे विकास की जो योजनाएं थी, जो इनके विजन थे, वो सब बाधित हो गए। काफी संघर्ष हुआ, बाद में कई इन्होंने बोल्ड फैसले लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि इन्होंने जो विजन देखा था चुनाव के बाद, वो उस विजन को झारखंड में जो देखा था और जो रुकावटें थी वो किस तरह से थी, तो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सब लोगों को जोहार है। झारखंड की तरफ से पूरे न्यूज नेशन के पूरे टीम को जो आज आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड के लोगों की तरफ से भी जोहार है। देखिए तोमर जी, सरकार अब चूंकि आप लोग खबर की दुनिया से हैं, सभी चीजों को आप लोग बहुत करीब से देखते हैं, सारे घटनाक्रम आप लोगों के नजरों से गुजरता है। और चुनावी प्रक्रिया को कवरेज करते हुए सरकार बनने से लेकर, सरकार गिरने से लेकर, फिर चुनाव से लेकर, आपका एक अपना एक क्षेत्र है जहां आप सब चीजों को देखते हैं। और सरकार हम लोगों ने बनाई 2019 में, सरकार ठीक से बनी भी नहीं थी, वैश्विक महामारी कोरोना का जिस तरीके से पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न कर दी, और झारखंड जैसे राज्य के लिए एक, चूंकि देश में सबसे पिछड़े राज्यों में भी ये गिनती में आता है, ऐसी स्थिति यहां के लोगों के लिए और भी पीड़ादायक होती है। जहां लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अगर वो एक दिन ना कमाए तो उनका चूल्हा भी ना जले, पूरा परिवार भूखा रहे, ऐसे स्थिति में लॉकडाउन जैसी स्थिति, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, सारे रोजगार बंद, ऐसे परिस्थिति में भी हम लोगों ने, सभी पूरे मंत्रिमंडल के लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ, और हमारी व्यवस्था ने भी काफी संवेदनशीलता दिखाई। और इस दौरान हम लोगों ने अपने कुछ मंत्रियों को भी खोया जी, इस कोरोना पीरियड में हम लोगों ने अपने, और वो भी जन सेवा के बदौलत ही, इस कोरोना में लोगों को कैसे हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाए, इसी के जद्दोजहद में ये लोगों की जाने चली गई। और स्वाभाविक है, जब इतने ईमानदारी से लोग काम करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत सुखद मिलता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि और सब राज्यों में आप देखेंगे कि लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, उनको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ रही थी, जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी, ऐसे स्थिति में हमने अपने राज्य में बिना अफरा तफरी के एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया, जहां मजदूर तबके के लोग सबसे अधिक जी। ये बोलने की बात नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, आम लोगों से पूछें कि कोरोना में किस तरीके से सरकार ने
एक परछाई की तरह यहाँ के हर व्यक्ति के साथ खड़ा होने का काम किया। और कोरोना तो आया ही आया, बल्कि हम खुद से कोरोना को भी ढो ढो करके ला रहे थे जी, चाहे वो ट्रेनों से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे बसों से हो, यहां तक कि हम लोगों ने समुंदर पार से भी लोगों को लाने का काम किया। और ये वक्त था जब सरकार की संवेदनशीलता पूरे देश में लोगों को देखने के लिए मिला कि कहां लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। पूरे देश को ऑक्सीजन की सप्लाई झारखंड ने करी और मैं मानता हूं कि हमारे राज समय समय पर हमेशा अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होता रहा है जी। आपके जो संघर्ष के दौर हैं वो तकरीबन पौने दो साल का रहा, जब कोरोना काल में आपका पूरा फोकस झारखंडियों की तरफ था, तब झारखंड में विकास के कार्यों के जो सपने थे आपके वो अधूरा था। उसके बाद आपने काम शुरू किया, हालांकि पिछले वर्ष भी आपने बहुत संघर्ष किए हैं, वो बाद में आएंगे, लेकिन जो कालखंड है 2021 में जो अंतिम वर्ष थे 3 महीने का और 22 में अगस्त से पहले का, उसमें जो सरकार ने काम कुछ किया उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक साल तो मोटा मोटी हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कोई चीजों को हम लोग अमल में लाने की स्थिति भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग घरों में भी बैठ करके आने वाला समय में क्या काम करने हैं इसकी एक रूपरेखा मैं इसकी ड्रॉ कर रहा था। और जैसे ही ये कोरोना का धुंध छटना शुरू हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा 2022-23 का जो समय है या 21 के लास्ट समय से ही कई चीजें धड़ाधड़ बहुत ऐतिहासिक निर्णय के साथ हम आगे बढ़े। झारखंड, पहले भी मैंने कहा, एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ गरीबी अधिक है, मजदूर तबके के लोग हैं, 80% लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर है। और हमने पहला कदम के साथ जो यहाँ की सामाजिक सुरक्षा जिसको कहते हैं कि लोगों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कैसे सरकार दे, इसको लेकर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के रूप में कर्मचारी वर्ग हों या आम लोग हों, आप कुछ मैं योजना बताना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों में जिस तरीके से न्यू पेंशन स्कीम का कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पे कर्मचारियों में आक्रोश था और मुझे लगता है झारखंड नहीं पूरे देश में इस चीज का गूंज है आज भी। हम लोगों ने यहां के कर्मचारियों को पुनः पुराने पेंशन की सौगात दी। उसके बाद इस राज्य के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनका जो एक ये बना हुआ था कि इससे अधिक आप पेंशन नहीं देना है, अब विधवा कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी 60 साल में विधवा हो, शादी के 6 महीने के बाद भी महिला विधवा हो सकती है या 60 साल बाद भी हो सकती है, तो हमने वो सीमाएं खत्म की। बुजुर्गों का जो आज के दिन में आलम है, और पेंशन एक ऐसी स्कीम है जो हर व्यक्ति का बुढ़ापे का लाठी है जी। आज के दिन में कहें तो हो सकता है कि आपका बेटा आने वाला समय में आपको घर से बाहर कर दे, लेकिन पेंशन एक ऐसी ही ताकत उसको एक ऐसे वक्त में देता है जहां उसमें उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जी। तो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन जैसे योजना प्रारंभ किया और आज आप देखिए एकदम निश्चित तिथि पर, पहले यह भी होता था जितना भी पेंशन मिलता था एक लिमिट भी था और बड़ा अजीबो गरीब, कभी पैसा 3 महीने तक नहीं आया, कभी पैसा समय पर आया नहीं, कभी लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कोई भी बुजुर्ग एक बार अगर पेंशन लेने के लिए बैंकों में जाता है तो 100-200 रुपए का उसका आने जाने का भाड़ा भी लगता है, उसका एक दिन का मजदूरी भी चला जाता है कहीं काम करता हो तो। हम लोगों ने बिल्कुल निश्चित तिथि के दिन सारे पैसे लोगों के खाते में जाती है,
एक दिन भी आगे न पीछे, जहां इस की शिकायत मिलती है तुरंत उस पर कार्रवाई भी होती है। जी, अपने छात्रों के लिए खासतौर पर जो यहाँ के बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए आपने बहुत सारे स्कीम्स की शुरुआत की, जिसमें कि जो स्कीम्स अपने हाल में भी शुरू किया है वो बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय हुआ है, तो उसके बारे में कुछ उल्लेख करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी, जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम सही तरीके से बच्चों को तराशते हैं तो आने वाले समय में उसका परिणाम भी सही मिलता है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो हमने जो चला आ रहा पद्धति था, जो व्यवस्था था, उससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को एक सही दिशा ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयां होती थी। हमने शिक्षा के स्तर को लेकर के नए उत्कृष्ट विद्यालयों का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, जहां आज आप विश्वास नहीं करेंगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों का नाम काट कर सरकारी स्कूलों में भर्ती ले रहे हैं। क्यों? कि भाई आज इतनी महंगाई में हम उन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और लोगों को काफी उत्साह भी है, और अब तो स्थिति ये आ गई है कि अब लोगों को हम छाटे तो कैसे छाटे। तो इसको लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, विदेशों में एक आदिवासी दलित पिछड़ा का बच्चा कहाँ विदेश में पढ़ सकता था, आप हमें बता दें, कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड देखेंगे तो नहीं के बराबर आपको दिखेगा। हम लोगों ने पहले आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए योजना बनाई, लेकिन अचानक पता जब ये चला तो इतनी उत्साह लोगों में आई कि इसका राइडर हटा करके एसटी एससी ओबीसी सभी कैटेगरीज के बच्चों को हमको इंक्लूड करना पड़ा और संख्याएं भी बढ़ानी पड़ी। और बड़ी खुशी की बात है, जो बच्चे पहले बैच में गए थे, जहां 10 बच्चों का ही हम लोगों ने उम्मीद किया था कि इससे भी अधिक बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों तक ये बातें गई, अब 10 बच्चे तो नहीं, अब तो हमें उनका संख्या भी बढ़ाना पड़ा। और जो बच्चे गए, आधे से अधिक बच्चे तो उनको नौकरी भी वहां मिल गई। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी पहल, ऐसे समूह के बीच में संदेश जाता है, और जब कल आने वाला समय में वो जरूर इस बात के लिए और उत्साहित होंगे कि हम और आगे कैसे बढ़े। अच्छा, दिल्ली में मैं था और आपके चेहरे को लेकर जिक्र हो रहा था, वहाँ इस बात को लेकर बड़े आपसे सेटिस्फाइड लोग हैं कि जितने यूथ को लेकर आपने कदम बढ़ाए हैं, योजनाएं उठाई हैं, वो उनको लगता है कि सच में यंग फेस के तौर पर आप बहुत कुछ परिवर्तित करने वाले हैं। एक सवाल मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा, कई दफ़ा आपने ये दर्द महसूस किया है और अपने संबोधनों में कहा है कि 23 साल हो गया प्रदेश को, सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन हम गरीब राज्य की श्रेणी में आते हैं। आपने कहा हमने बहुत कुछ परिवर्तित करने की कोशिश की, युवा प्रदेश, अब उम्मीद आपसे ज़्यादा है कि इसको सच में उस विकास के पैमाने पर कैसे लेकर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपने परिवर्तित की है, लेकिन जो पिछले टर्बुलेंस प्रदेश ने देखे हैं वो डेंट भी कर गए हैं। देखिए, मेरा ये बिल्कुल मानना है, पहले जड़ मजबूत करो, जड़ मजबूत होगा पेड़ भी मजबूत तैयार होगा, और जो उसमें फल भी आएंगे तो फल भी काफी हेल्दी होगा, पौष्टिक होगा। तो हमने जड़ों को मजबूत करना प्रारंभ किया। झारखंड खनिज संपदा प्रदेश है, ये कहा जाए कि सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। आज यहाँ के खनिज संपदा से पूरा देश चलता है। भारत सरकार को कई क्षेत्र में देश में सबसे अधिक अगर रेवेन्यू आता है तो झारखंड से आता है। बिल्कुल, जैसे रेलवेज में रेल से सबसे अधिक रॉयल्टी रेवेन्यू भारत सरकार को झारखंड से आती है। लेकिन यहाँ के लोगों को बदले में विस्थापन और छोटे मोटे काम उनको मिलते हैं। हमने थोड़ा खनिज संपदा से हटकर
थोड़ा एक दूसरा और जो क्या हो सकता है जिसके माध्यम से राज्य को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, सेल्फ कैसे अपने पैरों पर यह खड़ा हो सकता है, इस पर हमने फोकस करना प्रारंभ किया। जैसे टूरिज्म को लेकर हमारा लगातार उस पर काम चल रहा है, खेल को लेकर हमारा काम चल रहा है, शिक्षा को लेकर हमारा काम चल रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कैसे जैसे एक सशक्त भारत की अगर हम परिकल्पना करें, तो जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे तो सशक्त भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती है। और जब राज्य को सशक्त करने की बात करते हैं, तो जब तक गांव हमारा सशक्त नहीं होगा तो राज्य को सशक्त करना एकदम बेमानी है। जी, आपने अपने जो प्रशासन है, जो शासन है, आपने पारदर्शी बनाने के लिए आपने कुछ वेब पोर्टल्स आपने लॉन्च किए, जो हर पोर्टल उसमें है, आपने कई स्कीम्स लॉन्च किए, चाहे वो बच्चों के लिए हों, छात्र के लिए हों, छात्राओं के लिए हों, आपने जो स्पोर्ट्स पर्सन है, चूंकि ये झारखंड नर्सरी कहलाता है स्पोर्ट्स मैन के लिए, आपने बहुत काम किए हैं। तो जो संघर्ष है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जमीन पर जो चीजें पहुंचती हैं, उसको लेकर क्या कुछ लगता है कि चीजें जिस तरह से आप चाहते हैं कि गति मिले, वो गति नहीं मिल पाता? तो अमर जी, आपको मैं बताऊं तो काफी मतलब आपको इतना सुकून मिलेगा कार्यों को देखकर कि हम किस तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जबकि इस राज्य में खनिज संपदा के साथ साथ कुछ पुराने संक्रमण से भी घिरा हुआ है, कई मुसीबत, कई चुनौती भी इस राज्य में रही हैं, जैसे नक्सल को लेकर, नक्सल को लेकर टूरिज्म में कैसे आगे बढ़ा जाए। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री जी झारखंड में सबसे पहले आए थे जब, तो उसी समय से सौभाग्य से उनको स्वागत करने के लिए झारखंड में मैं ही मुख्यमंत्री था। उस समय मैंने उनसे कहा था मंच से, पूरे मंच में, वो आज के दिन में भी आपको कहीं मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह में, तो मैंने ये बात कही थी कि हम खनिज संपदा को थोड़ा सेकेंडरी रख करके हम टूरिज्म को आगे बढ़ाएं, तो जो जंगलों में जो गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तो गोलियों की आवाज नहीं बल्कि सैलानियों के ठहाके सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समाव 20 वर्षों में या इतने लंबे समय तक में इस विषय पर बहुत ज्यादा लोगों का चिंता नहीं हुआ जी। और आज आप देखेंगे कभी कुछ दिनों के बाद यहाँ टूरिज्म को लेकर कई रास्ते खुलने जा रहे हैं, और लोगों के आवाजाही के लिए, यहाँ ठहरने के लिए ताज जैसे 5-स्टार होटल का भी कुछ दिनों में शिलान्यास होना है यहाँ पर। तो धीरे धीरे, अब चूंकि कई चुनौतियाँ हैं, कई बैगेजेस भी हैं पहले से चली आ रही हैं, उनको भी संभालते हुए आगे चलना है। तो आज कहीं ना कहीं इस राज्य के अंदर जो इसकी इंटरनल पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को बहुत ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि कहा जाए कि नजरअंदाज बहुत ज्यादा हुआ ये। और जिस राज्य में, जिस राज्य से देश सबसे अधिक आईएएस आईपीएस पैदा करता हो, नेतरहाट स्कूल जिसको हम, आप सब लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं, सभी लोग, उस राज्य में नीति निर्धारण में खामियां रहे तो थोड़ा चिंता का विषय था। और इसलिए चिंता का विषय था, मुझे लगता है कि लोगों को इस राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ के लोगों के जो सोचने समझने और उनके काम करने के तरीके का अध्ययन नहीं रहा। आज हम हर वो काम करते हैं जहाँ लोग उसको बहुत आसानी से, सहूलियत से उसको अपनाता है जी। और अभी तो मैं तो, आप तो, हालांकि हमने, हमको मंच में बुलाया है, और मेरी हमेशा प्रयास रहती है मैं बोलने से अधिक काम हमारा दिखे, इस पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। पिछले 4 साल में अगर हम कामों की बात करें, तो हालांकि 2 साल को हम छोड़ दें, तो ये दो वर्ष की जो उपलब्धि है आपकी सरकार की, अगर बताना चाहें लोगों को वो क्या उपलब्धि है, और 1 साल जो बचेंगे उसमें क्या रोड मैप होगा आपका? देखिए, रोड मैप
इस राज्य के लिए, जैसे कि आप खनिज संपदा की हम बात करते हैं, तो मैं अभी इस पर चर्चा कर रहा हूं अपने विभागों में और पदाधिकारियों के साथ, या राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो, कि भाई आप लोग 100 साल से माइनिंग कर रहे हो, एक दिन ना एक दिन ये खनिज संपदा खत्म होगा। जिस खेत में धान होता था, दोबारा तो धान होगा नहीं, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा आगे जी? अभी इस पर हमारा काम चल रहा है कि हम आने वाले समय में ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, इस राज्य के लोगों को, इस राज्य को क्या दिशा देना है। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं, बहुत दूर की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसे माइलस्टोन के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले सके जी। मुझे लगता है राज अलग होने के बाद या राज अलग होने से पहले से इस राज्य में जो गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनते थे यहाँ पर कल्याण विभाग के, एक बार भी रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं हुआ। पहली बार उन आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो हॉस्टल बनते हैं, उन बच्चों के जाके, अभी आप हॉस्टल जाके देखें जी, किसी भी एक हॉस्टल पे आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बदलाव की बयार बढ़ रही है। हाँ, कहीं काम शुरू हुआ है, कहीं हो चुका है, कहीं होने की तैयारी पर है, और ऐसे यहाँ की गरीबी के आलम रही है कि बेचारे वो बच्चे घर से अनाज लेकर उन हॉस्टलों में रहते थे और अपने से खाना भी बनाते थे और कॉलेज भी करते थे, स्कूल भी जाते थे। तो अब हमने सारे हॉस्टलों को रेनोवेट किया, अब हम उनको रसोईया भी देने की तैयारी कर रहे हैं, उनको घर हॉस्टल में अनाज भी सरकार देगी, ये भी हम, ताकि वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। तो पता चला कि अनाज के लिए दिमाग लगा रहा है, पता चला कि लकड़ी ढूंढ रहा है उसको पकाने के लिए, इस काम में व्यस्त रहता है। और हमारे टीचरों की जो पहले आलम थी, टीचरों को तो पहले लोग बिल्डिंग बनाओ स्कूल में और सरकारी कागजों में ही उनको व्यस्त रखा जाता था, लेकिन हम अब स्कूलों के शिक्षकों को इन सभी चीजों से फाजिब करते हुए सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाई का काम कर, पढ़ाई पर उनको कंसंट्रेट करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, जब आप चुनाव जीते थे तो आपके साथ में जो युवा हैं झारखंड के, बहुत बड़ी संख्या में वो आपके साथ में थे, रोजगार की उनकी जो एक उम्मीद थी आपसे, हालांकि आपने लगातार प्रयास किए हैं, आपने बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लिए हैं, 1932 की खतियान की बात हुई, रोजगार की बात हुई, आपने पॉलिसीज बनाए, जो बच्चे हैं आज भी इस उम्मीद से हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, और अभी लगातार आपने कुछ शुरुआत की है, आपने जो ड्राइव शुरू किया है, तो क्या लगता है कि जो एक वर्ष का समय है कितने बच्चों को नियोजन मिल पाएगा? देखिए, नियोजन के हिसाब से अगर हम कहें तो आज के दिन में मैं समझता हूं कि सरकार के पदों पर प्राइवेट जगहों को मिला जुला करके लगता है कि 60-70 हज़ार बच्चों को तो हम लोगों ने नौकरियां दे रखी हैं, और प्रक्रिया सिलसिला भी 25-30 हज़ार शिक्षकों की बहाली की अधियाचना भी जा चुकी है, 8-10 हज़ार और भी संवर्ग हैं उनके भी रिक्वेशन जा चुके हैं, इन सब का भी बहाली निकलने के मतलब लास्ट स्टेज पर है, मतलब अब तब ये अखबारों में दिखेगा बच्चों को, अभी कल परसों ही। और नियुक्तियां भी ऐसी हम बांट रहे हैं कि हमारे पास इस राज्य में कोई ऐसा हॉल नहीं है जहां हम इतने बच्चों को एक साथ नियुक्ति पत्र दे पाए, हमको तो इनके लिए पंडाल बनाना पड़ता है या स्टेडियम में नौकरियां देनी पड़ती है। इस स्तर में नियुक्तियां दी जा रही है, कहीं 4,000, कहीं 5,000, कभी 13,000-14,000, इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा, नियुक्ति के अलावा, स्वरोजगार को भी हम लोग बहुत फोकस हम लोगों ने लगा रखा है कि लोग स्वरोजगार के माध्यम से खुद भी रोजगार पाए और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम करें। तो हमारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है जिसके माध्यम से लगभग अभी 7-8 हज़ार बच्चों को हम लोगों ने, नौजवानों को जोड़ा है, और हमारा लक्ष्य अभी 2-2.5 लाख बच्चों तक जाने का है। तो इस तरीके से यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का जो इकोसिस्टम है, इस राज्य का कैसे हम राज्य के अंदर रोटेट करा पाए, ये हमारा मुख्य फोकस है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा कई चीजों को लेकर, जैसे अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, इन सब चीजों को चलाया है, और जैसे
कई ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो महिला समूह हैं, इन लोगों के माध्यम से कई प्लास ब्रांड, जैसे हम लोगों ने ग्रामीण प्रोडक्ट को ये किया, एक फेडरेशन में पहली बार यहां पर हम लोगों ने एक फेडरेशन शुरू किया है मिलकर कृषि और वन उपज को लेकर। जी, यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, जंगलों के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कह लें कि जो जंगल के मशरूम आते हैं, जो यहाँ उसको बोलता है रुगड़ा, इमली होता है, करंज होता है, बहुत सारा महुआ होता है, साल का बीज होता है, ये सारी चीजें हैं, नीम है, करंज है, इन सब का बहुत बाजार में आज के दिन में इसका आपको अंदाजा नहीं होगा दाम कितना है। आज जो वाइल्ड हनी होता है, जिसको जंगल का मधु बोलते हैं, आज भारत सरकार उसको MSP दे रही है 250-300 रुपया और बाजार में बिक रहा है 1200-1400 रुपया। तो आज हम लोग इसमें भी, जैसे अनाज चावल में हम लोग MSP हम लोग दे रखे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा जब कंप्लीट होगा तो हम वन उपज पर भी हम एक MSP फिक्स करेंगे, ताकि लोग उसके माध्यम से भी अपना आय का स्रोत बढ़ा सके। जी, और उसका मार्केटिंग पिछले साल अगर हम देखें तो जो राज्य में विकास की गति है वो बढ़ी है और लोगों के पर कैपिटा इनकम भी बढ़े हैं। जो सपना गुरुजी ने देखा था 2000 जब राज्य बनने से पहले, आप चूंकि उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके पास जो चुनौतियां थी, जो संघर्ष है, आज भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन जो सपना था वो सपना कहां तक पहुंचा, कहां तक पूरा कर चुके, और कौन से ऐसी चीजें हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? ये जो झारखंड है, जो सपनों का झारखंड है, वो कब तक आकार ले पाएगा? इस राज्य को अलग करने में लगभग 40 साल लग गए। जी, और हम कहेंगे कि 2 साल के अंदर 40 साल की सपनों को पूरा करना संभव नहीं, और इतने चुनौतियों के साथ, और राजनीतिक ये संतुलन बनाते हुए जी। आज के दिन में जिस तरीके से राजनीतिक अड़ंगा लगाया जाता है चीजों को, जैसे वर्तमान स्थिति है, उनको भी पार करते हुए चलना है। आज जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन के दौर में इस राज्य के लोगों को कैसे हम उस ये में ले आके खड़ा करें, इसकी अभी जरूरत है। और इसीलिए एक पहला प्रयास शिक्षा के व्यवस्था को मजबूत करने का हमारा ये रहा है, ताकि ये बच्चे मजबूती से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने के लायक बना पाए। किसान कहीं ना कहीं आज भगवान भरोसे ही उसको छोड़ा गया। जलवायु परिवर्तन का जो आलम है वो आप सब लोग काफी डिबेट करते हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन इस बार हम लोगों ने इनको भगवान भरोसे छोड़ने का जो परिपाटी रही है उसको हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। कई ऐसे सिंचाई योजनाएं हैं जो हम लोग बिल्कुल नए तकनीक के साथ हम लोगों ने प्रारंभ किया है, चाहे वो पलामू क्षेत्र का हो, चाहे संथाल परगना में हो, चाहे और कोल्हान में हो, तो अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है कि अब हर खेत को हम लोग कैसे पानी उपलब्ध करा पाएं, ताकि किसान का जो हमारा देश का एक पहचान है, कृषि प्रधान देश, उन किसानों को हम बचा पाए। लेकिन जो परिस्थिति आज है, अगर आप देखें देश के इतिहास में कि आजादी के वक्त के जो किसानों की संख्या और आज की किसानों की संख्या, भारी गिरावट आई है। किसान अब खेतिहर मजदूर के रूप में तब्दील हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आज अपने जो खेत है उससे उसका जो कब उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी एक गारंटी, इसकी सियोरिटी कैसे हम लोग कर पाए कि उसके
जो कृषि व्यवस्था है वो हमारी मजबूती से, जो कामकाज है, जो गवर्नेंस है, उसको लेकर पिछले दिनों जब आपने रिव्यू किया था, जब समीक्षा बैठक की थी, तो आपने नाराजगी व्यक्त की थी और आपको लग रहा था कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो चीजों को इम्प्लीमेंट करने में या तो देरी करता है या कोताही करता है, और आपने वार्न भी किया है कि भाई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं, ये बात सही है, जरूर हम ये नीति निर्धारण करते हैं। जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है वो कार्यपालिका हमारी है, कहीं ना कहीं 20 वर्षों में कार्यपालिका उस प्रैक्टिस को भूल चुका था कि हमें कोई काम करना है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट, पदाधिकारियों के साथ जब हम कोई समीक्षा बैठक करते हैं तो ये बात जरूर चिन्हित होती है कि पदाधिकारी सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, या हम सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं है, बल्कि जो जिम्मेवारी है उसको आप ईमानदारी से निर्वहन करें। थोड़ा समय लगेगा मुझे लगता है, लेकिन अब यही पदाधिकारी जहां चीजें बिल्कुल ठहर सी गई, आज इन्हीं के माध्यम से चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और काफी अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। अब कर्मचारियों की अगर हम बात करें, ये तो अपनी मांगों को लेकर आधा समय तो सड़कों पर रहते थे, चाहे कोई भी कर्म, पुरानी पेंशन वाले को लेकर ये लोग आधे समय धरने प्रदर्शन में रहते थे, शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़कों पर रहता था, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो गांव में मुख्य रूप से बड़ी भूमिका के रूप में रहती थी, वो सारी महिलाएं 12 महीना में 11 महीना सड़कों पर रहती थी। आज आप देख लीजिए कहां पर कौन धरना प्रदर्शन पर है। होता है जरूर कुछ पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन भी होता है, वो सब चलेगा, उसमें कोई नहीं, लेकिन काम जिस तरीके से अभी हम लोगों ने उसको गति दिया है, वो गति जब अपने रफ्तार में आएगी तो जितने भी यहाँ पर शिकायतें हैं लोगों का, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी रिलेवेंसी रहेगी नहीं, क्योंकि हमारी बिल्कुल इस राज्य के हर लोगों को ध्यान में रखकर चीजों को हम लोग बनाते हैं, सोचते हैं और उसको धरातल। आपके जो कार्यकाल है बहुत संघर्षमय कार्यकाल है, लेकिन अगर चुनाव में कल जाना होगा, उपलब्धियों की बात करें तो ये तीन अगर उपलब्धियों की बात करें कि किस सेक्टर में सरकार ने बहुत प्रायोरिटी से देखा, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा या फिर रूरल डेवलपमेंट, तो सरकार के पास इस बार जो लोगों के लिए होगा वो कौन सा उपलब्धि होगा? देखिए, काम तो इतने हुए हैं कि अगर हम गिनाना शुरू करें तो ये मंच में हमको बहुत समय लग जाएगा। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर चीजें बदलते नजर नहीं आ रही, हर क्षेत्र, जहां आप सिंचाई कह लें, शिक्षा कह लें, स्वास्थ्य कह लें, रोजगार कह लें, उद्योग धंधे को भी लेकर अगर आप कहें, उससे संदर्भ भी कई चीजें यहाँ हम लोग अभी उसमें भी बदलाव का आपको यह दिखेगा। अभी कुछ दिन पहले टाटा समूह का लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन का, जो हमारे जो हमने जो उद्योग पॉलिसी बनाई है, लगभग देश में सबसे बेहतर उद्योग पॉलिसी हमने बनाई है, जिसके माध्यम से कई उद्योग घरानों के साथ हमारा विचार विमर्श चल भी रहा है, कई लोग आए भी हैं, कई लोग कतार में भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को हम नहीं कंट्रोल करते, अर्थव्यवस्था का जो देश का अर्थव्यवस्था का जो जिम्मा है वो जिनके पास है, उसके वजह से कई सारी चीजों में उतार चढ़ाव होता है। तो अब उसके लिए हमें थोड़ा सा समय के साथ देखना होगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसमें भी गति आए। और लगभग अभी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ भी हमारा एक इकरारनामा हुआ है, जहां एक बड़े पैमाने पर उनका यहां पर इन्वेस्टमेंट होना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और राज्य के एक सहयोगी के रूप में काम करेंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां हम, अभी कल परसों ही की बात है, यहां पर हाइड्रोजन
जो नया आज के दिन में चर्चा का विषय चल रहा है कि अब हाइड्रोजन का उपयोग होगा सभी वाहनों पर और भी कई संस्था कई व्यवस्थाएं चलेंगी उससे, तो इस राज को ये पर यह तलाशा जा रहा है कि क्या यहाँ पर हाइड्रोजन की हमारे पास पोटेंशियल है, हम लोग यहाँ प्रारंभ कर सकते हैं कि नहीं। तो है सभी जगह लगभग हम लोग अभी एक्टिविटीज में हैं और चुनाव को लेकर आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहने की जरूरत है। आप गांव जाएं, लोगों के पास लोगों के बीच जाएं तो देखेंगे कि अब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आपको दिखेगा जिसकी परिकल्पना हर सरकार करती है, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के लोगों की सामाजिक सुरक्षा तक। और इस जो एक खुशहाल वातावरण बनाने का हमारा प्रयास, जाहिर से बात है कि जितनी आपने बातें कही उसका असर दिख भी रहा है। अब कुछ सर पॉलिटिकल सवाल होंगे जो कि विकास को लेकर ये था। पटना की धरती से क्या संदेश गया? आप बड़े सही तरीके से आप बोल रहे थे, वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुन रहे थे, वहां से क्या आपको लगता है कि वाकई में जिस दिशा में आप लोग करवट लेने की कोशिश कर रहे हैं या देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो रास्ता क्लियर हो पाएगा? देखिए, एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और बहुत ही कारगर और सशक्त प्रयास हुआ है कि जहां बड़े पैमाने पर सभी लगभग एक दो को अगर हम नहीं एब्सेंट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक बड़ा एक समूह इस बात के लिए तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो पहला ये था, खाली एक चाय की बैठक थी, जब खाने की बैठक होगी तब उसमें शिमला कुछ और बातें बढ़ेंगी स्वाभाविक रूप से। तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास हुआ है, लेकिन सर इसको लेकर अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी तो जिस दिन ये मीटिंग हुई उसी दिन बड़ी आक्रामक हो गई थी, आपने देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये फूट डालो राज करो की राजनीति पर अभी वर्तमान सरकार खड़ी, जिस दिन फूट डालना बंद हो जाएगा इनकी राजनीतिक रोटी पकना ही बंद हो जाएगी। अच्छा, कई दफा आपने कहा है कि ईडी सीबीआई ये पटना में डिप्टी सीएम भी कहते हैं कि हमारे घर पे दफ्तर खोल लो, अब जो कार्यकाल इस टेन्योर का बचा है आपको ये उम्मीद है कि ये स्मूथली चलेगा, ये इसमें भी इसी तरीके से व्यवधान रहेंगे, ये संघर्ष करना पड़ेगा आपको? मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि अभी वर्तमान सरकार के भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एजेंसियां काम कर रही हैं? नहीं नहीं, ये तो आप लोग कहते रहे सर, देखिए तालियां अपने आप बता रही हैं। देखिए, ये तो आप सब लोगों को मालूम है, कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। आज जिस तरीके से एक संस्था दूसरे संस्था पर, ये इस देश का लोकतांत्रिक और फेडरल जो हम लोग का स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, कहीं ना कहीं ये उसको एक चोट पहुंचाने वाली बात है। हम किसी जांच किसी इंक्वायरी से नहीं हम घबराते हैं, लेकिन उनके कार्यकलापों से ये जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप संस्था है तो दूसरा अगले सरकार वो भी एक संस्था है जी, एक संस्था दूसरे संस्था के साथ तो अगर बैर करता है तो असम और मेघालय में जो आपसी रंजिश हुआ दोनों दो राज्यों के बीच में, मणिपुर में जो स्थिति हुई है वही स्थिति पूरे देश में होगी फिर जी। मुख्यमंत्री जी, ऐसे एजेंडा तो बहुत है लेकिन वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे कि चूंकि मीडिया एक स्तंभ है और आपके साथ में काम करते हैं, हमारी भूमिकाओं के बारे में अगर आपकी कोई अपेक्षा हो तो वो बताएं। देखिए, कौन क्या करता है नहीं करता है मैं उस विषय पर थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं क्या करता हूं इस पर थोड़ा ज्यादा मेरा फोकस रहता है। आप लोगों की आपकी अपनी जिम्मेवारियां हैं,
ये आप लोग को तय करना चाहिए और आप लोगों को इस विषय पर आकलन करना चाहिए। जैसे हम अपने कामों का आकलन करते हैं, हम अपने चीजों की रिव्यू करते हैं, सही हो रहा है गलत हो रहा है। और क्योंकि हम इस चीज को आकलन नहीं करेंगे तो कल लोग मुझे आकलन करना शुरू करेंगे। तो इसलिए संस्थाएं अपने काम कर रही हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। शुभकामनाएं जरूर दे सकता हूं कि आप लोग बेहतर। बिल्कुल सर, इन जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाएंगे और इसीलिए ये मंच सजा कि आपकी जितनी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके और आपका विजन में पहुंच सके। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। बेबाक तरीके से पूरी बातों के इन्होंने जवाब दिया और जाहिर सी बात है कि ये मंच इसीलिए सजा था कि बिहार के विकास, दरअसल झारखंड के विकास को हम किस रास्ते पर लेकर जाएंगे अगले 5 या 10 साल में। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जो सोच है वो जमीन पर उसी रास्ते पर दिखेगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।